आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी सिंधी कल्चर डे शायान शान तरीके से मनाया गया है। जिरगा हॉल ऑडिटोरियम में भी पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। मेहमान खुसूसी कमांडर सिब्बी स्काउट्स कर्नल जफर अली थे। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अहमद राजपूत। के हजारों सालों की सकाफत के दो रंग, सफेद सितारों वाली लाल अजरक और निराबी टोपी, सदियों से दोनों पहनावे आज भी सिंध के हर शख्स की पसंद है। सिंधी टोपी अजरक कल्चर डे जिरगा हॉल ऑडिटोरियम में शानो शान तरीके से मनाया गया। सिंधी कल्चर डे के मेहमान खसूसी कमांडेंट से भी स्काउट थे। सिंधी कल्चर डे के मौके पर हर कंधे पर सिंधी टोपी अजरक दिखाई दी। सिंधी सकाफत में रंगे लोगों का कहना है कि सदियों पुरानी सिंधी सकाफत प्यार और मोहब्बत की अमीन है। सिंधी और जामो डकवा मोहब्बे वतन कौम है। हम लोग अपनी पाक फौज से, अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली कौम है। आज का दिन हमारे लिए एक खुशी का समय है। पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी कौमें हैं, हर एक की अपनी अपनी कल्चर के हवाले से शनाख्त है। हम सारे एक हैं, सिंधी पश्तून पंजाबी सब एक ही जबान है। सिंधी कल्चर डे के मौके पर जब मौसीकी के सुर बिखरे तो मंचलों ने रक्स का मेला सजा लिया। रवायती लिबास के साथ रवायती मौसीकी और सिंधी जुबान के मीठे लहजे ने भी सिंधी सकाफत के दिन के लुफ्त को दुबाला कर दिया। सिंधी सकाफत डे के रंग बिखरे तो सब भी इसके शहर में जकड़ गए। कैमरा टीम इमरान मिर्जा बेग के साथ रिपोर्टर कमरान अहमद, पब्लिक न्यूज, सिबी बलोचिस्तान। और अब आपको बताएं कि लाड़काना में सिंधी गीतों पर रक्स करके सिंध सकाफत का दिन पुरजोश अंदाज में मनाया गया है। लाड़काना के हर गली मोहल्ले में सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए।